लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे तुम्हें और कष्ट नहीं सहना होगा। तुम्हें इस दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए मैं प्रण लेता हूं। मैं तक्षक राज की गुफा में जाकर मन्नत मांगूंगा। मैं उस मौत की गुफा में जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा राधिका। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जाना जरूरी है? हाँ राधिका, बहुत जरूरी है। कभी कभी जाना तय होता पर आना तय नहीं होता। दवाई खा लेना। ये क्या है अम्मा? बोलिए अम्मा, ये क्या है? बोलिए अम्मा, बोलिए, किस चीज की दवा है? किस चीज की दवा है ये? नहीं, बच्चा गिराने की दवाई, गिराने की दवाई है। जल्दी से खा ले और मोको कछु ना सुनो है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं ये जड़ी बूटी हर केस नहीं खाऊंगी। मैं जड़ी बूटी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। नहीं खानी मुझे ये दवा, नहीं खानी। नहीं खानी है तो को? मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। ये बच्चा हर किस नहीं गिराऊंगी। ठीक है, मोरी भी सुन ले। तोरी पाप की गठरी को तोरे जीवन से निकालकर बाहर फेंक देंगी। आगे ठाकुर जी की मर्जी। राधे राधे। कैसी हो बाऊजी? दवाई खिला दूं बाऊजी? नहीं, मैंने खा ली है। ओ, देव भैया बोल के गए थे कि अगर आप भूल जाए तो मैं खिला दूं। मैं यहीं बैठ जाती हूँ आपके पास ही। आप मुझे नीचे लेकर चलिए, मैं ठाकुर जी के आगे दिया जला लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको ज्यादा हिलने डुलने की मनाही है। पर ठाकुर जी के आगे दीप तो जलाना ही होगा ना। आप बस मुझे सहारा दे दीजिए। आइए। ठीक है। भैया, भैया हम यहाँ क्यों आए हैं? ये तो तक्षक राज की गुफा जाने का रास्ता है। आप तो कह रहे थे कोई जरूरी काम है। मौत की गुफा के रास्ते में कौन सा काम? मेरा जरूरी काम यही है बिरजू। तक्षक राज की गुफा में मैं राधिका के ठीक होने की मन्नत मांगने जा रहा हूं। मैंने प्रतिज्ञा ली। क्या भैया? पा कुछ भी मत बोलिए। चलिए
हम आपको यहाँ नहीं जाने देंगे, चलिए वापस चलिए हमारे साथ। नहीं बिरजू, तुम जानते नहीं हो राधिका कितने दर्द में है, उसे इस दर्द से मुक्ति दिलाने का यही एक तरीका है। और हाँ बिरजू, तू यहीं रुकेगा। मौत की गुफा के अंदर जा रहे भैया, जरा सोचिए तो सही, राधिका जी को पता चलेगा तो कितना दुख पहुंचेगा उन्हें। नहीं भैया नहीं, चलिए। उसे हर दुख से दूर करने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। मन्नत मांगी है मैंने, पूरी तो मैं करूंगा, और तू यहीं रुकना क्योंकि तुझे ही वापस लेके जाना है, मुझे या फिर मेरी लाश को। मैं चलता हूँ बिरजू, राधिका को इस बारे में कुछ मत बताना है, और तू यहीं रुकना, मेरे पीछे किसी को आने मत देना, तुम्हें मेरी कसम। भैया भैया भैया, हम आपको नहीं जाने देंगे भैया। बिरजू समझने की कोशिश कर। भैया आप क्या जवाब देंगे घर वालों को, हम नहीं जा सकते। बिरजू मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैंने मान्यता मांगी है। भैया चाहे कुछ भी, हम आपको नहीं जाने देंगे। बिरजू मेरा जाना बहुत जरूरी है। संभाल के बहुजी, कैसे रुके उठे, राधिका जी को भी बताने को मना कर दिया। हे गोविंद हरे मुरारी। देवकी जी, जी हेलो हेलो शास्त्री जी, जी जी हम बिरजू बोल रहे हैं, देव भैया को बचा लीजिए। देव भैया को क्या हुआ देव बाबू को? देव भैया ने मन्नत मांगी, वो तक्षक राज की गुफा में जा रहे हैं। राधिका जी की तबीयत ठीक होने की प्रार्थना करने के लिए वो मौत की गुफा में जा रहे हैं। शास्त्री जी जल्दी आ जाइए। देव बाबू, सुख दुखानि सर्वाणि मया सह विभज्यते, यत्तत्त्वं अहं तत्र प्रथमतः ब्रवीणम्। कुटुम्ब रक्ष कार्यास्तामि अवान् पुत्र हरिदम्।
जाकर मन्नत मांगने वाला या तो उसकी मन्नत पूरी होती है या फिर वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। भाभी ये लो माचिस। बिरजू कितनी देर हुई? आधे बेचारे चढ़ चुके होंगे। देखिए ना भाऊजी कैसा कठिन प्रण ले लिए राधिका जी की तबीयत ठीक करने के लिए। बेटा मन्नत मांगने जा रहे हो? जी पुजारी जी। ये गुफा मौत का द्वार है, एक बार फिर सोच लो। इच्छाएं पूर्ण होती पर कई बार कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ती। तुम आगे बढ़ रहे हो, सोच लो तुम्हारा हर कदम मृत्यु के पास जा रहा है। पीछे हटना है तो अभी हट जाओ। मैं अपने प्यार की खुशी मांगने जा रहा हूं पुजारी जी। मौत के डर से मेरे कदम पीछे नहीं हटने वाले। आयुष्मान लेकिन क्या संकल्प लेते तुम अंदर जा रहे हो? पुजारी जी मैं अपनी पत्नी के ठीक होने के लिए मन्नत मांगने आया हूं। मैंने प्रतिज्ञा ली है, उसका शरीर जल गया है, वो बहुत दर्द में है। विश्वास अगर दृढ़ हो तो सभी पीड़ाएं दूर हो जाती। गुफा में अंदर तक्षक राज की मूर्ति के पास एक पवित्र धागा रखा हुआ है। वो पवित्र धागा ले जाकर तुम अपनी पत्नी के बांह पे बांधो, वो ठीक हो जाएगी। जी पुजारी जी। और सुनो, उस तक्षराज के पास ही एक मणि रखी हुई है, उसकी रक्षा अनेक नाग कर रहे हैं। अगर भूल से भी तुम्हारा हाथ मणि पे लग गया तो वह सारे नाग तुम पर आक्रमण कर देंगे। मुझे बस वो पवित्र धागा लेकर वापस आना है जो मेरी पत्नी को स्वस्थ कर देगा। कल्याण हो बेटा। यदि मैं कुछ क्षण पूर्व आ गया होता तो संभवतः उन्हें रोक पाता। नहीं बाबूजी नहीं, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो हमें कसम देके चले गए। उन्होंने परण लिया है और वो उसे पूरा के बिना नहीं रुकेंगे। मैं चाहता हूं अभी। नहीं नहीं बाबूजी रुक जाइए, उन्होंने कसम दी है। अब हम सिर्फ कान्हा से प्रार्थना कर सकते कि वो उनकी रक्षा करे। हे भगवान, ये क्या किया राधिका? पूजा का दिया गिरा दी? इतना बड़ा अपशकुन किसने कहा था तुम्हें यहां आने के लिए?
क्या हुआ बहू? माँ जी देखिए ना, देखिए कितना बड़ा अपशकुन हो गया, भगवान का तेल से भरा हुआ दिया गिर गया। अरे तुम्हारी हालत ऐसी नहीं थी कि तुम आकर दिया जला सको, तो फिर क्यों आई थी यहाँ? क्यों इतना बड़ा अपशकुन किया तुमने? पता नहीं अब क्या बुरा होने वाला है। वैशाली, कुछ बुरा नहीं होगा, तुम खामखा चिंता कर रही हो। ऐसे चिंता ना करूं माँ जी, आप तो जानती है ना पिछले कितने सालों से ठाकुर जी के आगे ये दीप जलाती रही हूँ। देव के नाम का ये दिया, देव, अरे देव कहाँ है? माँ, देव किसी जरूरी काम से बाहर गया है। कौन सा जरूरी काम? माँ, ये तो उसने बताया नहीं मुझे। हेलो चाचा जी, चाचा जी, हाँ बिरजू। अरे बिरजू, तुम इतना रो काहे रहे हो? हैं चाचा जी। अरे कुछ बोलोगे भैया, खाली रोते रहोगे। भैया। हाँ, कहा हुआ देव बाबू को? ला मुझे फोन दो। हाँ बिरजू, क्या हुआ? दादी माँ, दादी माँ, देव भैया मौत की गुफा में चले गए। उन्होंने राधिका जी के ठीक होने के लिए मन्नत मांगी। हमें बिल्कुल नहीं पता था, अगर हमें पता होता तो हम उन्हें यहाँ लेके कभी नहीं आते। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो हमें कसम देकर चले गए। हमने शास्त्री जी को भी बुलाया, पर देव भैया तब तक काफी आगे निकल गए थे। हमें माफ कर दीजिए। माँ जी, बताइए ना क्या हुआ देव को? देव तक्षराज की गुफा में गया है। छोटी बहू के जल्दी ठीक होने की मन्नत मांग ली। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो देव को मन्नत मांगनी पड़ती? राधिका, राधिका, कहीं तुमने तो नहीं कहा उसे जाने? ऐसा कैसे, मैं उन्हें वहां जाने के लिए क्यों कहूंगी? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उन्हें वहां जाने के लिए नहीं कहा। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे वो बताकर नहीं गए।